ये पूरा बात ठीक है और आप लोग इस चक्कर में पड़ के आप लोग अगर गांव जाने का आप लोग इरादा है तो इरादा आप लोग कैंसिल कर दो। क्यों मालूम है? क्योंकि आपका गांव से इतना दूर आप काम करने इधर आ गया और आज थोड़ा थोड़ा बात सुन के आप गांव चला जाएगा वो आपका लॉस हो गया। क्योंकि यहाँ का पुलिस लोग क्या बोल रहा है मालूम है? अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी कुछ मर्डर होता है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन होगा। पुलिस तो ये बात बोल रहा है कि ये कटिंग सेटिंग जो वीडियो दिखा रहा है ये कौन से स्टेट का, ये इसको भी मालूम नहीं है। तो कैसे मालूम है कि तमिलनाडु का है बोल के? तमिलनाडु छोटा सा एरिया है क्या? हुसूर इतना बड़ा तमिलनाडु है क्या? तमिलनाडु बहुत बड़ा है। तो यहाँ से 300-400 किलोमीटर पहले प्रॉब्लम हो गया, 2010-11 में प्रॉब्लम हो गया। तमिलनाडु में नहीं है बस का फल, नहीं प्रॉब्लम आएगा। बोल रहे एक बार 2010-11 प्रॉब्लम आ गया, ऐसा प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम था। अब आप लोग ड्रिंक कर मान के चलो एग्जांपल है, आप लोग 5 आदमी ग्रुप बना के किसी को प्रॉब्लम करेगा तो आदमी आप लोग को रिटर्न एक्शन लेगा नहीं लेगा? लेगा ना। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा है, यहाँ पर अभी हिंदी वाला आदमी जिस तरह कर रहा है कि व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि हम लोग को मार रहा है, पीट रहा है, लफड़ा कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, पूरा न्यूज पेक है। और आप लोग ये सब न्यूज के चक्कर में मत पड़ो और जो भी आदमी व्हाट्सएप से भेज रहा है ये बात पूरा आदमी को बोले ऐसा नहीं भेजने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ का तमिलनाडु का पुलिस है वो टोटल ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन आदमी कितना व्हाट्सएप में कौन शेयर कर रहा है, कौन ने अपराध कर दिया, उसको बहुत जल्दी पकड़ लेगा, ठीक है ना। और इसीलिए आप लोग किसी का बात के चक्कर में डर कर और भाई कर आप लोग गांव चला जाएगा तो वो आप लोग का लॉस है। पहले बता रहा है यहाँ तमिलनाडु स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डायरेक्ट पुलिस स्टेटमेंट दे रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट इधर खड़ा है, कंपनी का मैनेजमेंट आप लोगों का कुछ भी होगा तो कंपनी का मैनेजमेंट रिस्क है, आप लोगों को कुछ भी होगा तो यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस है। इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, सिपकट बस स्टैंड में पुलिस स्टेशन है, पता है ना आपको। कोई तकलीफ होगी आप लोगों का मोबाइल नंबर शेयर किया जाएगा, मैनेजमेंट का मोबाइल नंबर शेयर किया जाएगा, उस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली फोन करो, किसी को कोई तकलीफ हो जाता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगा। आप लोग इतना दिन से तमिलनाडु में है, कभी कोई आदमी आप लोग का प्रॉब्लम किया है? कभी कोई आदमी मारा है आप लोग को? आप लोग मर्डर होते हुए देखा है अक्सर? देखा है क्या? जितना अभी बात हुआ है सब रूमर फैला हुआ है, इसीलिए ये सब वो सब इसका उसका बात में नहीं जाना आप लोग। आप लोग अपना आंख से देखा, आप लोग अपना कान से सुना, उस बात पर आप लोग ट्रस्ट करना। बल्कि व्हाट्सएप में मैसेज आ गया उस बात से ट्रस्ट करेगा तो वो प्रॉब्लम है। वो झूठ मूठ का कोई आदमी ऐसा बात फैला रहा है कि तमिलनाडु से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर तमिलनाडु से प्रॉब्लम होगा तो क्या तमिलनाडु पुलिस यहाँ पर आके खड़ा रह के भाषण देगा? देगा बोलो? सब आदमी एक्शन लेगा, एक्शन लेगा ना, फील्ड में जाएगा, राउंड करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ना कि यहाँ का आपको बात करने आएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मर्डर फटर बलूर में जो हुआ है, ऐसा बलूर में जो केस हुआ वो भी बोल दे रहा है। बलूर का केस को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं ना, बलूर में मार के फेंक दिया बोल के, वो बात गलत है। बलूर का बात गलत है, बलूर का बात में लड़का जो है हस्बैंड वाइफ था, वो लड़का क्या कर दिया, बिहार मोहम्मद के चक्कर में सुसाइड कर लिया दारू पी के, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया सुसाइड किया। और उसको इससे तमिलनाडु प्रॉब्लम कर रहा है, लोकल आदमी प्रॉब्लम कर रहा है, इससे अगर जोड़ेगा तो वो बात बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग रूम में आपस में दारू पी के प्रॉब्लम कर दिया, आप लोग 5 आदमी प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप लोग आपस में वीडियो वायरल कर रहे हैं, कोई तमिल वाला आदमी आप लोग को वीडियो व्हाट्सएप कर दिया क्या? कोई तमिल वाला आदमी आप लोग को वीडियो भेजा है क्या मोबाइल में कि हमारा तमिलनाडु छोड़ के चला जैसे कुछ बोला है क्या? नहीं ना। हिंदी वाला आदमी हिंदी वालों को शेयर कर रहा है, हम लोग का गांव में प्रॉब्लम हो रहा है क्यों? गांव वाला आदमी को भी यहाँ का आदमी भेज रहा है ताकि डर करके बुला लेगा। ये वाला किसी का प्लान है, सोचा समझा साजिश है, तो इसका पर्दाफाश करेगा पुलिस वाले लोग, ठीक है ना। वो उनका काम उनको करने दो, और आप लोग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तमिलनाडु पुलिस, होसूर का पुलिस, जो सिपकट का पुलिस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका मैनेजमेंट है, आपका कंपनी है, आप लोग सभी आदमी को देखने के लिए। इसलिए आप लोग अगर माइंड में प्लान बनाया है कि हम लोग को यहाँ से छोड़ के चले जाएगा या हम लोग यहाँ से गांव जाएगा, तो गांव में खाने के लिए खाना है क्या? गांव में कंपनी है क्या, काम कर सकता है ऐसा? नहीं ना। किसी का बहकाव और किसी का बुलाव में आप लोग कोई नहीं जाना, समझ रहे ना। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, यहाँ का आदमी किसी को कोई प्रॉब्लम किया है तो सामने आ जाओ, सामने आके बात करो। ये कोई आदमी को कोई लोकल आदमी मारा है क्या? किसी को अगर मारा होगा तो सामने आके बात करो, हाँ हम तो मारा है, हम तो प्रॉब्लम किया है, तो पुलिस सडन एक्शन लेगा तुरंत। किसी को कोई प्रॉब्लम किया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम किया है? कोई मारा है क्या? कोई लोकल आदमी प्रॉब्लम किया? नहीं ना। हाँ, आप लोग का बिल्डिंग में प्रॉब्लम होता होगा, कोई आपका रूम का ऑनर आप लोग को गाली देता होगा रास्ता, क्योंकि दारू पी के लफड़ा करेगा, उसका सामान को संपत्ति को फिल्टर करेगा, तो ऑब्वियसली ये पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आदमी प्रॉब्लम करेगा, रूम में झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, तो प्रॉब्लम करेगा।
तो इसीलिए आप लोग इतना दिन से यहाँ पर है, आप लोग को आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपनी और पुलिस वाला के ये कहना है। इसीलिए आप लोग निश्चिंत होके यहाँ पर काम कर सकता है, रह सकता है, कोई यहाँ छोड़ के जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, न्यूज पेपर ने जो आ गया ना, और न्यूज पेपर में लिखा हुआ है, हम लोग का जो इधर का तमिलनाडु का राज्य का जो सीएम है एम के स्टालिन, जो जिस तरह बोल रहा है, आप लोग देखा होगा न्यूज में, न्यूज में लिखा हुआ 20 बार को छोड़ के चले जाओ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी राज्य का सीएम ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा, ऐसा बात नहीं।